हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि गवर्नमेंट ने खुद एग्रीमेंट पे पूरी तरह क्लियरली लिखा होता है कि अगर कोई भी वर्कर फर्स्ट टाइम यहाँ दुबई में आता है किसी भी कंपनी में, तो उसको क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए। प्रॉपर इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। 2-3 मिनट का वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि इस तरह का अपडेट मैं अपने वर्कर भाई के लिए बहुत रिसर्च कर लेकर आता हूँ, क्योंकि आपका जो हक है वो कोई मार ना सके और आपको नॉलेज मिल सके। क्योंकि दोस्तों, इंडिया में बैठे बैठे बहुत तरह के लोग यहाँ से भी वीडियो बनाते हैं, बट रियल जानकारी बहुत कम लोग देते हैं, इसलिए मैं आप लोग के लिए रियल जानकारी लेकर आया हूँ। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना इस तरह के कंटेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। बताता हूँ कि अगर आप दुबई में आते हो, फर्स्ट टाइम दुबई हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कोई भी गल्फ कंट्री में, तो कंपनी आपको क्या क्या स्टार्टिंग के दिन में देती है। ठीक है, जैसे ही आप आओगे वैसे ही आपको 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ बिल्कुल मिलेगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसकी सिस्टम लगाई है। तो सबसे पहला दोस्तों, जैसे आप आते हो तो आपको एयरपोर्ट पर लेने वाली कंपनी जाएगी, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तब। ठीक है, वर्क वीज़ा है तब। विजिट वीज़ा में आ रहे हो तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका विजिट वीज़ा है तो आप समझो। ठीक है, कंपनी बुला रही है फिर भी विजिट वीज़ा है तो कोई आपको लेने नहीं भी जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है आपके पास तो आपको कंपनी गाड़ी लेकर लेने जाएगी। ठीक है, यह हक बनता है। अगर लेने नहीं जा गई तो अगर गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ इस बंदे के लिए कोई लेने नहीं आया है, तो पुलिस वाले आपका वर्क वीज़ा देखेंगे किस कंपनी है, फिर कंपनी के पास मेल डालेंगे या उसे फ़ोन करेंगे, उसको फ़ाइन भी मार सकते हैं। इसलिए कंपनी वाले लोग डरते हैं और आपको लेने के लिए आएंगे। पहला, दूसरा, आप जैसे ही जाओगे तो आपको रूम प्रोवाइड कराएगी रहने के लिए। ठीक है, तीसरा दोस्तों, आपको पूरा जो भी है कंबल वगैरह, बेडशीट, तकिया, सारा चीज़ है ना, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, सोने के लिए बेड देगी। ठीक है, चौथा दोस्तों, आपको जब काम पे जाना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले सेफ्टी शू देगी, उसके बाद कोवरऑल, जो कंपनी का कोवरऑल कोवर ड्रेस होता है वो देती है, जैकेट देती है, हेलमेट, मतलब पीपी, सारा पीपी वो देती है। बहुत सारा कंपनियां क्या करती है कि जो वर्कर आता है उसको, मतलब पहले तो 80% कंपनियाँ ऐसे कर रही थी, बट अब क्या कर रही है दोस्तों, थोड़ा कंपनी लोग, मतलब पहले के मुकाबले अभी कंजूस लगभग हो गया, क्योंकि एडवांस जब तक नहीं आप मांगोगे तब तक नहीं देती, बट कंपनी पहले क्या करती थी, जैसे ही वर्कर आता था वैसे एडवांस दे देती थी 200-300 दरहम कि वर्कर अपना खर्च करेगा। नो डाउट ये बाद में आपके सैलरी से कटिंग हो जाती थी, बट अभी 80% नहीं 50% कंपनियाँ देती है, बट खुद बोलना पड़ता है कि हाँ आप आओ, तो आप मैनेजर को या जो लेने गया आपको रिसीव करने की, सर मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी खर्च करने के लिए, आप मेरे को 150 या 200 दरहम एडवांस दिला दो, तो वो लोग दोस्तों अगर आप बोलोगे तो वो लोग दिला देंगे। ठीक है, नहीं बोलोगे तो वो लोग आपको बगैर बोले हुए, यहाँ पे कुछ नहीं होता दोस्तों, तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। तो मतलब आपको रहना से लेके खाना से लेके आपको कपड़ा से लेके सारे चीज़ दोस्तों ये गवर्नमेंट ने खुद ये की है, एग्रीमेंट पेपर पर भी लिखा होता है, सारा चीज़ प्रोवाइड आपको कंपनी कराएगी। ट्रांसपोर्टिंग भी, जहाँ पे आप काम पे जाओगे गाड़ी से खुद लेकर जाएगी, खुद गाड़ी से लेकर आएगी, आपको अपने गाड़ी से नहीं जाना है या किसी बस से नहीं जाना है, हाँ आपका वर्क वीज़ा है तब। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तभी आप दुबई ज़्यादा कोशिश करो आओ। विजिट वीज़ा पे आने के बाद यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारा जिम्मेवारी आपका होता है। तो ये अपडेट था दोस्तों, और कोई भी कंफ्यूजन है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।